सिंगरौली में भाजपा ने अपने तीनों विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इस कारण ये तीनों विधायक भाजपा से नाराज हैं। इनका कहना है कि टिकट काटे जाने से जनता भाजपा के विरोध में है, इससे भाजपा को नुकसान होगा। सिंगरौली जिले में सभी तीन विधानसभा सीटों के वर्तमान विधायकों के टिकट भाजपा ने काट दिए हैं, जिनमें सिंगरौली से रामलल्लू वैश्य, चितरंगी से अमर सिंह के साथ ही देवसर विधानसभा क्षेत्र के सुभाष रामचरित वर्मा शामिल हैं। टिकट काटने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सुभाष वर्मा ने कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करते हुए हमने क्षेत्र में विकास किया, पर हरिजन समाज की अपेक्षा कर पार्टी ने बिना कारण टिकट काट दिया, जिससे जनता में विरोध है और ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। पार्टी को जो बताना था और क्या सब के सब हो गए। राम लल्लू मान लीजिए कि ठीक है कि तीन बार से थे सिंगरौली में, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है, जनरल सीट थी तो दूसरे को दे ना भाई। पर ये तो बता दो कि अब आप नहीं है, पार्टी आपको स्वीकार कर रही है, हम दूसरे को भाई देंगे, वापस बता दीजिए। अच्छा कौन क्या पूछा। दूसरा चीज की रात दिन मेहनत करके आदमी पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते हैं काम करता है, और यदि काट दिए तो यही नहीं समझ में आया कि ये जनरल सीट रिजर्व वालों को तो आप बड़ी बड़ी डांटते हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, वनवासियों के लिए कर रहे हैं, इसके बाद उन्हीं का काट दे रहे हो, पहली बार नहीं थी। लक्ष्य से हर विधानसभा में 40-30 हजार 25 हजार लोग हैं, नेतृत्व होना चाहिए, संगठन को विचार विमर्श करना चाहिए, लोगों के प्रति एक भाव निकल कर आ रहा है। मेरे पास तो बहुत सारे फोन आ रहे हैं, हमने कहा समाज के प्रति अगर ऐसा भाव निकल कर आया, मैं निश्चित ही सरकार को सोचने की, पार्टी संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको सोचने की जरूरत चाहिए थी। मगर प्रदेश स्तर का आंकड़ा जो लगाया है उन्होंने, मुझे तो नहीं मालूम किस, जो कि हमारा जो बिंद है, बिंद की बात कर सकता हूँ, तो बिंद में ये होना चाहिए, मिलना चाहिए उनको प्रति अधिकार मिलना चाहिए। जो रविदास समाज के जो चम्रकार जो समाज है, जो हमेशा सेवा का भाव, एक सीट भी नहीं, और बिंद में एक सीट ना मिलने के कारण हमें भी थोड़ा, मैं लोगों को समझाने में लगा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मगर उनके मन में क्या भाव है, मैं कोशिश कर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।